हेलो दोस्तों दोस्तों आज से हम इस चैनल पर स्टार्ट करने जा रहे हैं गंगा नदी के पार्ट वाइज वीडियो। गंगा नदी से संबंधित 15 वीडियो में मैं आपको गंगा नदी के उद्गम से लेकर बंगाल की खाड़ी में गिरने तक का पूरा सफ़र इस वीडियो में बताऊंगा। आपको एक से लेकर पूरे 15 वीडियो देखने हैं, इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ? ए भागीरथ की तपस्या के बाद, बी राजा सगर की तपस्या के बाद, सी महर्षि वाल्मीकि द्वारा और डी श्री हरि विष्णु के द्वारा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राजा भागीरथ की तपस्या के बाद। गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ, राजा भागीरथ की सालों की तपस्या के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ गंगा किनका उद्धार करने के लिए स्वर्ग से धरती पर आई थी? ए राजा भागीरथ के 60,000 पुत्रों का, बी राजा सगर के 60,000 पुत्रों का, सी महर्षि वाल्मीकि के 60,000 पुत्रों का, डी ऋषि मतंग के 60,000 पुत्रों का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राजा सगर के 60,000 पुत्रों का। सालों तक तपस्या किसने की, राजा भागीरथ ने, और पुत्र किसके थे, राजा सगर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम भारत के किस स्थान से हुआ है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम भारत के किस स्थान से हुआ है? ए गंगोत्री ग्लेशियर से, बी यमुनोत्री ग्लेशियर से, सी अमरकंटक से, डी हिमालय से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गंगोत्री ग्लेशियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ए उत्तर प्रदेश से, बी उत्तराखंड से, सी मध्य प्रदेश से, डी महाराष्ट्र। दोस्तों मैंने जो इसमें चार ऑप्शंस दिए हैं अलग अलग राज्य के, इन राज्यों को आप याद कर लेना क्योंकि ये आगे आकर काम आने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी उत्तराखंड राज्य से। गंगा नदी भारत के उत्तराखंड राज्य से निकली है, और कौन से ग्लेशियर से, तो गंगोत्री ग्लेशियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ए नर्मदा नदी, बी गंगा नदी, सी सिंधु नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। मैंने इस क्वेश्चन में भी जो चार ऑप्शंस दिए हैं इनके बारे में भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी गंगा नदी। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, माँ गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 5। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी जब गंगोत्री से निकलती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी। ए गंगा, बी गंगोत्री, सी भागीरथी, डी अलकनंदा। गंगा नदी जब गंगोत्री से निकलती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भागीरथी नदी। गंगा नदी जब गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो इसे गंगा के नाम से नहीं भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि कहां पर जाकर भागीरथी नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी गंगोत्री से कितने मीटर की ऊंचाई से गिरती है? गंगा नदी गंगोत्री से कितने मीटर की ऊंचाई से गिरती है? ए 3900 मीटर, बी 4000 मीटर, सी 2000 मीटर, डी 4200 मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए 3900 मीटर, 3900 मीटर लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? वेरी आईएमपी प्रश्न है। ए 2500 किलोमीटर, बी 2515 किलोमीटर, सी 2520 किलोमीटर, डी 2525 किलोमीटर। चलिए इसका राइट आंसर बताइए फटाफट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम किन किन नदियों के मिलने पर होता है? ए भागीरथी व अलकनंदा, बी गंगा व भागीरथी, सी अलकनंदा व धूली गंगा, डी गंडक व कोसी।
तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भागीरथी व अलकनंदा। जब भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं तो वहाँ से गंगा नदी के नाम से जाने जाती है, भागीरथी नदी गंगा नदी के नाम से जाने जाती है। और जहाँ पर गंगा नदी के नाम से जाने जाती है, जहाँ पर भागीरथी व अलकनंदा नदी मिलती है उस स्थान को क्या कहते हैं, और जहाँ से गंगा नदी के नाम से जाने जाने लगी उस स्थान को क्या कहते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में अगले वीडियो में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी कितने देशों से होकर गुजरती है, ए 2, B 3, C 4, D 5। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 2। गंगा नदी दो देशों से होकर प्रवाहित होती है, ठीक है। किन किन देशों से प्रवाहित होती है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी जब गंगोत्री से निकलती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है, ए गंगा, बी भागीरथी, सी अलकनंदा, डी धौली गंगा। क्या है हमारा प्रश्न, गंगा नदी जब गंगोत्री से निकलती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको घुमाकर क्वेश्चंस दिए जाएंगे और वहाँ से पूछ लिया जाएगा कि गंगा नदी जब गंगोत्री से निकलती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भागीरथी नदी। गंगा नदी जब गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो इसे भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने इस वीडियो में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को कवर किया है, और आगे के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में अगले पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो आप इस चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर ऑल पर टिक करें, ताकि आपको आगे आने वाले पार्ट वाइज वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।